हमारे BTS के मेंबर भी फिलहाल अपनी मिलिट्री सर्विस में अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और जल्दी ही उनका यूनिट प्लेसमेंट भी हो जाएगा, जिसके बाद वी फाइनली एक रियल सोल्जर की तरह स्पेशल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आर्मीज आजकल ना वी को लेकर एक टॉपिक काफी ट्रेंड हो रहा है और बहुत से आर्मीज बहुत ही खुश हैं वी का ये बात सुनकर मिलिट्री से जो आया है आजकल। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसको सुनकर आर्मीज काफी ज्यादा खुश हैं। तो रिसेंटली मिलिट्री के एक पर्सनल ने, यानी जो मिलिट्री में काम करते हैं, उन्होंने रिवील किया है कि वी ना मिलिट्री में काफी हेल्दी हो चुके हैं और वो बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट करी थी और उसके थ्रू काफी सारे आर्मीज को पता चला। उन्होंने बताया कि वी आजकल जब भी मिलिट्री में काम करते हैं तो उनकी एक अलग ही एनर्जी नजर आती है, वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है और उनकी एनर्जी देखकर हर कोई बहुत ही शॉक रह जाता है। और कहीं ना कहीं ये झलकता है कि BTS के मेंबर की तरह वी ने कितना ज्यादा फिजिकल वर्क किया है तभी वो मिलिट्री में भी इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यही नहीं बल्कि इस इंसान ने ये भी रिवील किया कि वी को ना मिलिट्री का खाना बहुत ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वी की एपेटाइट भी बहुत बढ़ गई है। और साथ ही साथ जैसा कि आपने वी की रीसेंट फोटो में देखा ही होगा कि वी थोड़े से हेल्दी भी हो गए थे और उनकी जो इमेज थी, उनके जो शोल्डर्स थे, वो काफ़ी ब्रॉड लग रहे थे। तो ये भी उन्होंने बताया कि वी खाना भी काफ़ी अच्छे से खाते हैं, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसा कि ये बात बहुत ही सारे आर्मीज को शॉकिंग लगी, क्योंकि ये बात काफ़ी ज़्यादा फेमस थी कि साउथ कोरियन मिलिट्री में स्पाइसी फूड बहुत दिया जाता है और आर्मीज इस बात को लेकर टेंशन में थी कि वी तो स्पाइसी फूड खा नहीं पाते और इसीलिए आर्मीज को लग रहा था कि पता नहीं वी मिलिट्री में कैसे रहेंगे। लेकिन इस इंसान ने जो बातें रिवील करी हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी बात में कोई ना कोई बुरी बात कहीं ना कहीं से आ ही जाती है और यही सेम केस BTS के साथ भी है, क्योंकि कई सारे लोग ना इस न्यूज़ को सुनने के बाद बोल रहे थे कि BTS के मेंबर्स तो मिलिट्री में मोटे होते चले जा रहे हैं और ये चीज़ अच्छी नहीं है। खाना खाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप इतना खाना खा लो, क्योंकि जो फोटोज़ हैं और जो पहले BTS की फोटोज थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। BTS के मेंबर वी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और बल्कि लग रहे थे, जबकि पहले वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम ट्रिम थे। लेकिन आर्मीज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फैट होने में या फिर मोटे होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि BTS के मेंबर्स ना मोटे नहीं हो रहे हैं, वो हेल्दी और मस्कुलर हो रहे हैं। मिलिट्री में जाने के बाद आपकी नॉर्मल वाली लाइफ तो रहती नहीं है, वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए आपको और स्ट्रांग बनना पड़ता है, जिसलिए वहाँ पर बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको दिया जाता है, हेल्दी फूड दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स और बॉडी और स्ट्रांग हो जाए। और वैसे भी वी तो स्पेशल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो उनको स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, और जब भी कोई ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके मसल्स बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। तो मोटा हो जाना और हेल्दी हो जाना दोनों में बहुत ही फर्क है, फिट हो जाने में बहुत फर्क है। और हमारे BTS के मेंबर्स मोटे नहीं हो रहे हैं, वो फिट हो रहे हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जो फालतू की हेट वी को मिल रही है उनके मोटे होने के लिए या फिर उनके वेट गेन के लिए, वो बिल्कुल ही बेकार है। तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको वी का वेट गेन कैसा लग रहा है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।